शांति। बीके भवन भाई तेजपुर आसाम से। बचपन से ही मुझे भगवान का पाने का बहुत खोज था। हम भगवान के पाने के लिए बहुत ही यज्ञ तप पूजा पाठ और यहाँ तक कि साधु संन्यासियों के साथ में भी हमने बहुत दिन घूरा कि हमें भगवान मिल जाए। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के कारण बहुत चीज़ों का कमी महसूस हो रहा था, जिस कारण से मैं बहुत ही पाने का, जैसे सुख शांति ये सब तो नाम मात्र का भी नहीं था। तो इसको पाने के लिए हम बहुत ही प्रयत्न किया करता था, कोशिश किया करता था, जिसके पाने के लिए हमने जो जहाँ बोलता वहीं जा कर के और ये हमें मिल जाए, ऐसे हम मन में आशा थी। परंतु जितना करते हुए भी भक्ति हमने बहुत की, अष्टजाम और पूजा पाठ बड़े बड़े यज्ञ तप में मैंने आगे बढ़ करके भाग लिया सच्चे दिल से। कभी भी उससे हमें कुछ लौकिक प्राप्ति हो इस आशा से नहीं, लेकिन हमें सच्चा सुख मिल जाए, सच्ची शांति मिल जाए। और यहाँ तक कि साधु संन्यासियों के संग में बैठने से सभी भगवान को कहते थे कि भगवान से ही सारी चीज़ें प्राप्ति होगी। तो हमारे मन में ये भी आया कि भगवान से मैं कैसे पाऊँ, भगवान को कैसे पाऊँ, इसके लिए हमने ये सारे प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहा। लास्ट में 1985 की बात है, उस समय में एक भाई ने हमें एक छोटी सी किताब दिया था पढ़ने के लिए, जो उस कारण के द्वारा हमें उस किताब में लिखा हुआ था आप कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, उससे कैसे संबंध जोड़ा जा सकता है। इस सारी प्रश्न सूचक बातें सुन करके दिल में बहुत ही उत्कंठा हुई कि हम उसको जाने। तो हम एक हमारे साथी थे जिनका नाम जैनानी भाई था, उनके घर में जाकर के किताब पढ़ा करते थे। फिर वो वहाँ में पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीत गया, इसके बाद में समझ में नहीं आता था, लेकिन बहुत ही शांति का महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि जब हम पढ़ता था किताब तो उस साथी का हमारा नींद आ जाता था, फिर साथी भी पढ़ते थे तो हमें नींद आ जाता था। मैंने आत्म जो शांति कहा जाता है ना, अनुभूति होती थी। फिर कुछ दिन के बाद में वो किताब रिटर्न मांगा भाई ने, तो उससे हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा किताब कहाँ मिलता है। तो भाई ने बहुत ही खुशी से कहा कि क्या ये किताब पुस्तक आप सभी को चाहिए। मैंने कहा हाँ हमें ये चाहिए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को उस जगह में ही ले जाऊंगा जहाँ ये सारी किताबें मिलती है। तो ये सुन करके हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आनंदित हुआ मन कि हमें तो इस भंडार में ही पहुँच जाएंगे हम लोग, तो जो चाहे वो हम लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में भाई ने शिवरात्रि का दिन था, वो हम सभी को एक गाड़ी था उनका जो कि ये डायरी फार्म का था, उस गाड़ी में हम सभी को बोले कि आप लोग 4 बजे मेन रोड में निकल जाइएगा। हम सभी दोनों भाई 4 बजे क्या, हम सभी 3 बजे ही मेन रोड में निकल करके और उपस्थित थे। भाई आया और हम सभी उनके गाड़ी में बैठ करके आए, और आ करके हमारे जो तेजपुर का सेंटर है उसमें हम लोगों ने आया, और आ करके वहाँ में देखा तो यहाँ का माहौल ही देख करके मन आनंदित और शांति का अनुभूति होने लगा। फिर क्लास पूरा हुआ, भोग लगा, इसके बाद में हम लोगों ने, इसके बाद जो हमारी बहन जी थी उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों को 7 दिन का कोर्स करेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग कोर्स करेंगे। तो हम लोग यहाँ से करीब करीब सेंटर से 45 किलोमीटर दूर रहने के कारण बहन जी ने कहा कि आप सब भी, आप लोगों का कोर्स 3 दिन में ही हम करा देंगे सुबह शाम करके। फिर हम लोगों को उस भाई ने इस तेजपुर में ही रहने का व्यवस्था किया, और हम लोग 3 दिन रह करके और सारी कोर्स कंप्लीट किया। इसके बाद में
हम लोग जब घर जाने लगा तो बहन जी ने कहा कि अभी ये आप सभी को अपने गांव में भी ये बातें सुनानी है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है। तो फिर हम लोगों ने जा कर के अपने गांव में इस का मतलब कि प्रदर्शनी रखा। तो बहन जी को बोला कि बहन जी कौन समझाएगा प्रदर्शनी। तो बहन जी ने कहा कि आप सभी जो सुना है जो समझा है वो बताना। फिर हम लोगों ने यो बैठ करके तो हम वहाँ में सुनाए। तो हम लोग में जो ऐसी पावर आ गया था, ऐसे भगवान जिसको कहते हैं ना, हम सभी उनको प्यार से बाबा कहते हैं, हमें ऐसे पावर मिल गया कि बड़े बड़े पंडितों से हम सभी प्रश्न पूछते थे कि भगवान कौन, कहाँ का रहने वाला है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे। तो उसके उन लोगों के इसके पास जवाब नहीं था, जो भी कुछ कहते थे उन लोगों को हम लोग कहते थे कि भगवान तो अजन्मा है। वो लोग कहते थे भगवान कृष्ण है, राम है। हम सभी कहते थे कि भगवान तो गीता में कहा है कि मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, लेकिन ये कृष्ण और राम इन लोगों का तो जन्म मरण हुआ है, ये तो भगवान कैसे हो सकते हैं, ये लोग तो दुख और सुख को भोगे हैं। तो वो लोग चकित होकर के, जो एक बड़े पंडित थे, बहुत नामी ग्रामी थे, उस एरिया के बड़े पंडित थे, उन्होंने इस ज्ञान को मतलब कि माना और कहा कि भाई आप लोगों ने इस ज्ञान को कहाँ लिया, कहाँ समझा आप लोगों ने। तो हम लोगों ने बोले ठीक है, जहाँ हम लोग समझा है चलिए आपको भी वहाँ ले जाएंगे। तो उस बड़े विद्वान पंडित को हम लोगों ने, दो भाई ने उनको यहाँ फिर ले आया और बहन जी के सामने उनको ले आ करके कोर्स कराया। फिर उनका बहुत परिवर्तन आया, वो यहाँ तक कि सादा बीड़ी सिगरेट ये सब सारे खाते थे, यहीं में आकर के उन्होंने इस सारी को छोड़ दिया और छोड़ करके फिर वो गए अपने, हम सभी उनके साथ में घर में वापस गए। वहाँ जाने के बाद बहन जी ने फिर कहा कि आप अपने परिवार वालों को जमा करके और फिर इस ज्ञान को सभी को बताना। तो उस पंडित जो सारे एरिया का मुख्य पंडित थे, वो अभी हम लोगों को लेकर के अपने घर में और अपने सारे परिवार को बुलाए, सारे उन लोगों के जो वंशज थे सभी को बुला करके हम लोगों को एक आसन पर बैठा करके और फिर ज्ञान सुनाने के लिए कहा। तो बाबा ने हमें ऐसे पावर भरा जैसे कि मान लो कोई शक्ति हमें मतलब कि दिया, जैसे तो बहन जी ने हमें जो कहा था कि भगवान बाबा आप सभी को मतलब कि ज्ञान सुनाएगा आप सभी जाना, ठीक वैसे ही हुआ। हम सब वहाँ में सारे ज्ञान ऐसे सुनाया था, सुनकर के सभी चकित हो गए और लास्ट में उन लोगों ने सभी ने माना इस बात को। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उसी गाँव में एक एंटी पार्टी का मुखिया था, जो बाबा के समय में वो जो कलकत्ता में बाबा का एंटी पार्टी था ना, उसका एक भाई यहाँ भी रहता था हमारे गांव में। वो इस बात को जाना, फिर उसने वो दिल्ली से न कलकत्ता से कहाँ से बहुत सारी बुक्स मंगाया और वो एंटी पार्टी बाबा के जो सारी मतलब कि उल्टी पुल्टी बातें लिखी हुई थी वो सारे गांव में बांटा। इसके बाद में हम लोगों ने बहन जी को बोला कि बहन जी ऐसी ऐसी हालत है। तो बहन जी ने बताया कि अभी अभी बहुत खुशी की बात है कि आप बाबा का ये लोग प्रचार कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये बाबा की जो निंदा कर रहा है ये लोग मतलब कि आप बाबा का देखोगे कि एक समय बहुत बड़ा नाम होगा। तो हम लोग भी शांत होकर के सारी बातों को सुना। तो हमारे गांव वाले ने सभी देख करके और बहुत ही अच्छा अभी अनुभव कर रहे हैं और हमारी जो चाहना थी, हमें जो पाने की जो इच्छा थी वो सब चीज़ बाबा ने हमें दिया है। बाबा ने हमें सुख शांति आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए सारी साधन सारी सुविधाएं दिया है। आज हम ये बाबा को लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि बाबा हमने जो सोचा भी नहीं था ऐसी उपलब्धियां बाबा ने हमें कराया। इसलिए हम आप सभी को ये शुभ एक ईश्वरीय निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी चाहना हो, तो आप एक बार इस संस्था में आकर के आप जानिए, स्वयं को जानिए और अपने पिता को जान करके और सारी सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने की और ये यहाँ में एक कला प्राप्ति होती है, जिसे अपना आप सभी भी जैसे मैं अपना जीवन सुखमय बिता रहा हूँ, आप सभी भी इसी तरह से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा, ओम शांति।